नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश के खराब प्रदर्शन के बाद सीएम योगी की साख दांव पर लग चुकी है। ऐसे में अब एक और परेशान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो न केवल सीएम योगी और भाजपा के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय बन सकती है। दरअसल यूपी में सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की बात बहुत की जाती है। माफियाओं के हौसले यहां पस्त कर दिए गए हैं, मगर महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अभी तक नहीं किए जा सके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रही है एक रिपोर्ट, जिसमें ये दावा किया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में योगी शासित यूपी टॉप पर है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश अब सीएम योगी के नाम से जाना जाता है। यहाँ माफियाओं के हौसले पस्त किए जाते हैं, यहाँ अपराध पर शासन का बुलडोजर चलता है, मगर यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को इस साल अब तक महिला विरोधी अपराध की 12,600 शिकायतें मिली हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी में भाजपा का शासन, इसके बाद दिल्ली और फिर महाराष्ट्र का नंबर है। NCW के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर शिकायतों में घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इस श्रेणी में 3,107 शिकायतें प्राप्त हुई। रिपोर्ट क्या कहती है, आइए आपको बता देते। राष्ट्रीय महिला आयोग को घरेलू हिंसा की 3,544 शिकायतें आई, वहीं दहेज उत्पीड़न की 1,957 शिकायतें, छेड़छाड़ की 817 शिकायतें आईं, महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता की 518 शिकायतें तथा रेप की कोशिश की 657 शिकायतें मिली, यौन उत्पीड़न की 493, साइबर अपराध की 339, पीछा करने की 345 और ऑनर उत्पीड़न की 206 शिकायतें मिली। उत्तर प्रदेश में से सबसे अधिक 6,470 शिकायतें दर्ज की गई। इसके बाद दिल्ली में 1,113 और महाराष्ट्र में 762 शिकायतें दर्ज हुई। बिहार में 584, मध्य प्रदेश में 514, हरियाणा में 506, राजस्थान में 408, तमिलनाडु में 301, पश्चिम बंगाल में 306 और कर्नाटक में 305 शिकायतें दर्ज की गई। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक संस्था है, जो महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। आयोग देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर भी नजर रखता है और पीड़ितों को ऐसे मामलों में न्याय दिलाने के लिए राज्य और प्रशासन को दिशा निर्देश जारी करता है। हैरानी की बात तो ये भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने पिछले साल महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें दर्ज की और उनमें से लगभग 55% उत्तर प्रदेश से थी। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आंकड़े यूपी के लिए घातक साबित हो सकते हैं, साथ ही साथ भाजपा के लिए एक बड़ी दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी यूपी में फिर डाउन हुई है, ऐसे में ये आंकड़े बीजेपी को और डाउन कर सकते हैं। बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा का दावा जरूर करती है, वहीं ये आंकड़े दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। जाहिर है अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा ही। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी और सीएम योगी इस मसले से पार कैसे पा पाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।